it is a setup for Inder, and it is really a setup for Inder. And मैं सिर्फ सच्चाई बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक जितना भी रिस्पॉन्स आया है, जो भी रिस्पॉन्स आया है, उससे मैं एक्चुअली सेटिस्फाइड नहीं हूँ. एंड मैं देख रही हूँ कि जो चीज़ नहीं हुई है उसके वजह से मेरा हस्बैंड इज़ गोइंग इनटू मोर एंड मोर एंड मोर एंड डीपली इनटू इट, इनटू द केस. सो ही डजंट डिजर्व दैट. बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के करीबी दोस्त और फिल्म व टीवी एक्टर इंदर कुमार का निधन हो गया. जानकारी के अनुसार 44 साल के इस एक्टर को आधी रात दिल का दौरा पड़ा था. उस समय वे मुंबई के अंधेरी स्थित अपने घर पर थे. इंदर कुमार सलमान खान की फिल्म वांटेड में अभिनय कर चुके हैं. पारिवारिक सूत्रों के अनुसार इंदर को रात 12:30 बजे दिल का दौरा पड़ा. उस समय वह अंधेरी के फोर बंगलो स्थित अपने आवास में थे. उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार शाम लगभग 6 बजे यारी रोड स्थित शवदाह गृह में किया जाएगा. इंदर ने कई फिल्मों में काम किया था. उन्होंने सलमान खान के साथ कहीं प्यार ना हो जाए, तुमको ना भूल पाएंगे और वांटेड में काम किया था. वह एकता कपूर के टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मेहर वीरानी के तौर पर भी नजर आए थे. अभिनेता वर्ष 2014 में उस समय सुर्खियों में आए थे जब एक मॉडल ने उन पर बॉलीवुड फिल्म में काम दिलाने का प्रलोभन देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया था. इस आरोप के बाद वे काफी परेशान रहते थे. फिलहाल वह फटी पड़ी है यार नामक फिल्म में काम कर रहे थे. वर्ष 1996 की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में इंदर के साथ काम कर चुकी अभिनेत्री रवीना टंडन ने उनके निधन पर ट्विटर पर शोक जताया. रवीना ने लिखा, हे भगवान, स्तब्ध कर देने वाली खबर है. उनके साथ खिलाड़िया का खिलाड़ी में काम किया था. बहुत कम उम्र में निधन. उनकी आत्मा को शांति मिले. ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे. That was because he wanted to, I probably say कि there was some differences between me and him, and that was because उसके alcoholism के वजह से, और probably अभी वो करियर वाइज अच्छा नहीं कर रहा था. तो हर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में थोड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि तुम क्या कर रहे हो, यू हैव अ डॉटर, यू मस्ट गो आउट एंड लुक फॉर वर्क या समथिंग लाइक दैट. तो हमारे बीच में हमेशा होती रहती थी.